प्राचीन समय की बात है। शंकर शर्मा नामक एक भद्र पुरुष गांव में रहते थे। कुछ दिन पहले ही वे शांति निकेतन में एक घर खरीदे थे। घर खरीदने के कुछ दिन ही बाद एक विचित्र प्रकार की घटना घटी। 2100 किसी सदवी में भूत, ये तो चंबू की बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो रात के समय जंगला पर पत्थर कौन मारता। बरामदे में हड्डी और खोपड़ी पड़ी रहती है। डर के मारे पत्नी और बच्चे उस घर में नहीं जाना चाहते, इसलिए सोचता हूँ उस घर को मैं बेच दूँ। अगर आप आज्ञा दे तो। बोलो। बहुत दिनों से इच्छा था कि मैं अपने आँखों से भूत देखूँ। अगर मैं आपके उस घर में एक दो रात रह जाऊँ तो। ठीक है, कब जाना चाहते हो बताओ। अगला शनिवार को। इसके साथ कल ही अमावस्या है, चलिए आप और हम दोनों चलते हैं। ठीक है तो कल ही चलो। दूसरे ही दिन शंकर शर्मा उस आदमी को लेकर अपने उस नए घर पहुंचे। वाह, आपका घर जितना बढ़िया है उसका चारों ओर का परिवेश और सुंदर है। अरे नमस्कार शर्मा जी, आइए आइए आइए। कब आए? यही तो आज दोपहर में। साथ में वह कौन है? अरे मैं इनका दूर का संपर्क का भतीजा हूँ, शांति निकेतन देखने आया हूँ। वाह बहुत अच्छा, रहोगा ना 2-4 दिन? जी हाँ 2-4 दिन रहूँगा। तो ठीक है, मैं भी एक दिन आकर यहाँ पर अड्डा जमाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। वो आदमी कौन था? वही उस 3 तल्ला घर का मालिक है। कम से कम 300-400 एकड़ जमीन का मालिक है वह। घर बेचने वाले थे क्या, कोई खरीदने वाला मिला है? भुतहा घर बोलकर चारों ओर बात फैल गई है, फिर इसे कौन खरीदेगा बताओ। ऐसे दुबे जी ने तो खरीदने की बात कही थी हमसे, लेकिन इस घर को बेचने की इच्छा मेरी अभी नहीं है। घटना उस समय के लिए तो टल गई, लेकिन उसी दिन रात में। अरे बाप रे बाप, आपके घर खरीदने के कुछ पहले ही सांप डसने के कारण रतन नाम के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। वास्तव में वह एक पागल था, उसका श्राद्ध अच्छी तरह उसके घर वाले नहीं किए। लगता है मर कर के भी वह पगलामी करता है। जो भी हो थोड़ी सावधानी से रहिएगा, मैं चलता हूँ। अंत में यहाँ पागल भूत। भूत पागल हो चाहे जैसे भी हो, किसी के घर में तो जूता चप्पल पहनते हुए घूमते हुए तो नहीं देखा है हमने। अने? ये देखिए, आज सुबह ही मैं आपके घर के पीछे ये पाया हूँ। सुनिए, आज रात में ही हम ही लोगों को पहरा देना होगा। वह देखिए वो कौन आ रहा है। सही बात है तो। इस बार मजा देखिए। क्या हो रहा है? कौन कौन हो तुम? मैं जग्गू पगला हूँ। तो बेटा राखाल, तुम शर्मा जी का घर दखल करने के लिए मेरा नाम भूत रखकर प्रचार कर रहे हो, तो मैं आगे ही तुम्हारा गर्दन मोड़ूंगा। तो ठीक है भाई, आज तुम्हारे ही कारण इस घर का भूतहा नाम मिट गया। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या बात? राखाल भट्टाचार्य के पास तो बहुत पैसे हैं। अगर वे चाहते तो अपने जमीन पर ही खूब बढ़िया घर बनवा लेते, तो हमारे इस सामान्य घर को
वे दखल करना क्यों चाहते थे? कारण भूत का डर नहीं दिखाने से अपना घर तो नहीं बेचते। आप शांति निकेतन में आकर बात को नहीं समझ पाए। इस संसार में जो भी आता है, जिसके पास जितना रहता है वो और चाहता है। राजा भी गरीब जनता का पैसा चुराकर बहुत महान बनता है। कल्लू राम, तुम गोपाल को सबक सिखा पाओगे तो? हाँ महाराज, जरूर सकूंगा। क्या पुरस्कार देंगे महाराज? अगर तुम गोपाल को बेवकूफ बनाकर उसके मुंह से यह स्वीकार करवा दोगे कि तुम गोपाल से ज्यादा बुद्धिमान हो, तो मैं तुम्हें उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं और उसके साथ साथ जमीन जायदाद भी दूंगा। हाँ महाराज, ये तो बहुत खुशी की बात है, तो मैं चलता हूँ। प्रणाम। गोपाल को तो बेवकूफ बनाने को कह दिया, पर बेवकूफ बनाऊंगा कैसे? अरे वो गोपाल नजर आ रहा है। रुक जाओ, अभी तुमको बेवकूफ बनाता हूँ। अरे कालू राम, क्या बात है? अरे मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी माँ शायद अब... ये क्या मेरी माँ मर गई। ये क्या हो गया? मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। कल्लू ये तुम पकड़ो, मैं घर जाता हूँ, जा रहा हूँ। गोपाल को तो पूरा बेवकूफ बना दिया, अब लाइए मेरा पुरस्कार। शर्त यह था कि गोपाल खुद आकर स्वीकार करे कि तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, तब जाकर मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। शैतान कहीं का, तुम मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा मछली खा लोगे? रुक, सबक सिखाता हूँ। वो आ रहा है, रुक, आज मैं तुझे मजा चखाता हूँ। कालू राम, मेरा एक काम कर दोगे? तुम्हारे सर पर मटका रख देता हूँ। महाराज आप देखिए मैं कितना बुद्धिमान हूँ। देखिए महाराज, गोपाल को आज मैं फिर बेवकूफ बना दिया। वह बोला था यह गुड़ वाला मटका बाजार ले जाने के लिए, और मैं यह मटका आपके पास लेकर आ गया। बेवकूफ कल्लू राम, तुम जिसे गुड़ समझ रहे हो वो गुड़ नहीं, क्या है? सड़ा हुआ गोबर। ओहो, कितना बदबू दे रहा है। क्या दुर्गंध है महाराज। आप बताइए प्राकृतिक में बुद्धिमान कौन है? जो गलत बातों पर विश्वास करता है वो, या मीठी बातों से जो दुश्मनों को सबक सिखाता है वो? सच में गोपाल, तुम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। बोलो कल्लू राम। हाँ जी महाराज। कल्लू राम, ये लो तुम अपना पुरस्कार। गोपाल, ये लो तुम अपने उच्च बुद्धि का पुरस्कार। अब तुम दोनों खुश हो ना? लगता है 3 दिन बारिश होने के बाद आज धूप निकला है, कितना अच्छा लग रहा है ना गब्बू? हाँ ठीक बोला है तू। ओए रुक रुक, वरना गोली मार दूंगा। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ए टब्बू, वो देख जेल तोड़कर कैदी कैसे भागे जा रहा है। टब्बू कुछ कर, नहीं तो ये शांति नगर अशांति नगर बन जाएगा टब्बू। लेकिन मैं क्या करूँ गब्बू, तू कुछ बता तो। अरे यार कुछ तो कर। ठीक है रुको रुको, मैं कुछ सोच रहा हूँ। छुप तर
देख चोर अब किसी भी कीमत पे नहीं भाग पाएगा। देख चोर देख, तेरे सामने एक लंबा दीवार है, तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे, अब तुम उस दीवार से टकरा जाओगे। हाँ, ये कैसे हुआ? सच में टप्पू, आज तुम्हारे वजह से ही इतना खतरनाक कैदी भागने से बच गया। चल थाने में। गब्बू, अब हम लोग भी चलो घर चलते हैं। ठीक है चलो। गब्बू, हाँ बोलो। सोच रहा हूँ इस बार दिवाली में एक हीरो की तरह मैं ड्रेस ले लूं। अरे बाप रे बाप, खरीदने में तो बहुत पैसा लगेगा। इतना पैसा तू लाएगा कहाँ से टब्बू? टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं, चलो कहीं से घूर कर आते हैं। चलो तब। हर महादेव। इसकी शक्ल पहचाने पहचान लग रही है। गब्बू, मुझे याद आ गया। और देख देख, जो उस दिन जेल से भागा था कैदी, वो वही है। वो भेष बदल लिया है साधु का। ये तो वही दोनों लड़के। मैं भागू यहाँ से अपने जम बचा के। सुन सुन, तुम जल्दी जाकर पुलिस को खबर दो, अब तक हम उसको फंसा कर रखते हैं। ठीक है। कैदी तो बहुत जोर से भाग रहा है, इसको तो अटकाना होगा। ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, सुनो ना, ओ साधु बाबा। अब मैं कैसे फिर से पकड़ लेंगे लोग? ये तो डोने लगा, इसको कैसे भी न कैसे करके रोकना होगा। ओह, इसको कैसे कैसे रोकूं? एक दिमाग में आइडिया आया। देखो देखो, तुम्हारे सामने एक बाइक है, चढ़ो चढ़ो उस पर, चढ़ो चढ़ो। ओम चर पुक चर छुप। अरे यहाँ तो एक बाइक खड़ा है, इस पे बैठ के भाग जाऊंगा तो इसका बाप भी नहीं पकड़ पाएगा मुझे। ये रहा चोर, नकली दाढ़ी लगाकर सन्यासी बनकर घूम रहा था। चल शैतान थाने में। देखिएगा फिर से न भाग जाए। अब तुम निश्चिंत होकर रहो, चल थाने में चल। चल टब्बू, अब हम लोग वापस चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। गौर देश एक समृद्धशाली देश है। उस राज्य के राजा धार्मिक थे और उनकी तीन रानी थी, गंगा जमुना सरस्वती। मंत्री, राज्य का क्या समाचार है? सब ठीक है महाराज। महाराज, बहुत दिन से हम भ्रमण पे नहीं गए हैं, चलिए ना, चलते हैं। कहाँ जाइएगा बोलिए, पर्वत या समुंदर की तरफ? नहीं महाराज, पर्वत समुद्र कहीं नहीं, चलिए ना जंगलों की तरफ। जंगल के तरफ? लेकिन वहाँ शेर भालू होंगे। कुछ नहीं होगा, हम जाएंगे। महाराज, हमारे राज्य के अंदर एक ऐसा जंगल है जहाँ शेर भालू का कोई डर नहीं है, अब वहाँ निश्चिंत होकर जा सकते हैं, वहाँ डरने की कोई बात नहीं महाराज। तुम लोग जाओगी ना? हाँ जाएंगे। ठीक है महामंत्री, जाने का बंदोबस्त कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। राजा के बातों के अनुसार यात्रा की तैयारी किए, रथ सज गया। राजा अपने तीन रानियों के साथ यात्रा पे निकल पड़े। देखिए महाराज, कितनी सुंदर तितलियाँ, कितना सुंदर रंग, कितनी सुंदर सुंदर है, कितना सारा फूल है।
हाँ हाँ, तुम लोग सिर्फ फूल और तितलियाँ देखो, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता है क्या? चिड़ियों की मीठी मीठी आवाज कान बंद है तुम्हारा? हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनूंगी, सुनते सुनते तो कान मेरे पक गए हैं। कान पक गए तेरा? तू भी ना मछली, कैसे कैसे बातें करती है। चिड़ियों की आवाज सुन के तो मेरा मन भर आया और तू कह रही है कान पक गए। रथ रोको। रथ क्यों रोक दिए? महाराज वो सुंदर फूल मुझे ला दीजिए। अभी लगे देता हूँ। कितना सुंदर है ये फूल, अति सुंदर। आहा, ये क्या हुआ मेरे पैर पे? हाँ, दर्द हो रहा है। सर्थी रथ घुमाओ। आह, बहुत दर्द हो रहा है। रानी का पैर टूट गया है। हाँ, अब क्या करेंगे? इन्हें 3 महीने आराम करना होगा। महाराज एक संगीतकार आया है, चलिए चल के देखिए जैसे वह योग गीत सुना सकता है या नहीं। चलिए महाराज उनका गीत सुनने। हाँ महाराज, चलिए चलिए। क्यों, तुम भी जाओगी ना? चलिए महाराज, और देर मत कीजिए। चलिए चलिए महाराज। ठीक है, जब तुम लोग जाना चाहते हो तो चलो। संगीतकार अपना गीत अब शुरू करो। जो आज्ञा महामंत्री। वाह। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हुआ कविराज जी? चोट बहुत गहरी है। हाँ, कैसा गहरा चोट है जरा बताइए। गीत सुनकर उनके कानों में चोट पहुंची है, इसलिए वो अज्ञान हो गई। हाँ, ये क्या, गीत से अज्ञान? लेकिन उस वक्त तो संगीत चर्चा शुरू हो रही थी। क्यों नहीं अज्ञान होगी, हमारी रानी सबसे ज्यादा कोमल है। हमारी रानी सबसे ज्यादा कोमल है, एक फूल से घायल हो गई। हमारी छोटी रानी सिर्फ कोमल नहीं है, क्यों दासी? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत काम है, तुम लोग बैठो, मैं जा रही हूँ। महाराज चुपचाप बैठ के क्या सोच रहे हैं? बहुत कुछ सोच रहा हूँ मैं, राज्य के बारे में और प्रजा के बारे में। और हमारा हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ, देखो कितना सुहाना मौसम है, चलो बगीचे में। चलिए महाराज। कितना सुहाना मौसम है। आय हाय, मैं जल गई, मर गई। आय हाय, मैं जल गई। क्या हुआ है कविराज जी? कड़ी धूप में जाके रानी जल गई है। ठंड के समय में रानी धूप से जल गई है। हे ईश्वर, मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी रानी सबसे कोमल। नहीं नहीं, मेरी रानी सबसे कोमल। नहीं नहीं, मेरी रानी। बोलिए महाराज, सबसे नाजुक कौन है? ठंड के धूप में जिसका बदन जल गया वही सबसे ज्यादा नाजुक है, समझे बेताल।